अच्छे दिन आगे बाबा, अच्छे दिन आगे बाबा, बहुत अच्छे दिन आगे मित्रों, अच्छे दिन आगे। आज गरीब 9,000 नहीं कर सकता, 10,000 15,000 का तो बैंक की तरफ से नोटिस आ जाती है। और जो जैसा इम्तियाज जलील ने कहा, उन्हें भी लंबे बालों वाला हीरो हेलमेट पहनता था, उन्हें पार्लियामेंट में देखता था तो मैं बोलता था ये कैसा जुबा है, यहाँ पैसा गिर गया आके। आज उन्हें 9,000 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गया हमें। बताइए अजीज दोस्तों, आज हमारे मुल्क में गरीब की जान की अहमियत है या नहीं? छोड़िए मुसलमान दलित थोड़ी देर के लिए, मगर गरीब की अहमियत नहीं है आज। आज जिसके पास दौलत है उसकी अहमियत है, जिसके पास करोड़पति है उसकी अहमियत है। अरे गरीब, अरे हिंदुस्तान की जमहूरियत अगर कोई जिंदा रख रहा है तो गरीब जिंदा रख रहा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जाकर अगर कोई वोट डालता है तो गरीब डालता है, पैसे वाला नहीं जाता। गांव से लोग जाते, झोपड़ियों से जाते, साइकिलों पर जाते, ट्रैक्टरों पर जाते, पैदल जाते, 3-3 घंटे ठहर कर बच्चों को अपने साथ अपनी माए रखकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखती है। आज उन गरीबों का कोई इज्जत और लिहाज नहीं, कोई इज्जत और लिहाज नहीं उन गरीबों की। आखिर बोलते असदुद्दीन ओवैसी एंटी नेशनल है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, जो 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, जो 5 करोड़ का अदा नहीं करता, बोला कहां गई तुम्हारी मोहब्बत भारत माता से? क्या ये नेशनलिज्म कहां गया? तुम्हारा होम या होम परस्ती कहां गई? जो लोग नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म की बातें करते आओ महाराष्ट्र के किसानों के घर पर जाकर बोलो, तुम दिखाओ तुम्हारा नेशनलिज्म, तुम्हारा एंटी नेशनलिज्म दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान में लोग मर रहे मगर तुम्हारा नेशनलिज्म जिंदा क्यों नहीं होता? क्या किसान की बात पर तुम मुर्दा क्यों हो चुके हो? गरीब की मजबूरी पर तुम्हारे दिलों में तकलीफ क्यों नहीं होती? अरे गरीब के तकलीफ को महसूस करो, हिंदुस्तानियों के गरीब के तकलीफ को महसूस करो, ये नेशनलिज्म है। जो लोग गरीबों के तकलीफ को सीनों में महसूस नहीं करते वो हिंदुस्तान के दुश्मन है, याद रखो। मैं आपको बता, आप बैठो बैठो, सुनो सुनो भाई, अभी 15 मिनट ही है, 15 मिनट बोले कि अकबर याद आते हैं। समझ गए आप, अभी जाना ही पड़ेगा यहां पे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे बता रहा था, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक सहाफी ने पूछा, आरएसएस अपने कपड़े तब्दील कर रही, क्या बोलना? मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले नहीं, अब वो चड्डी नहीं पहनेंगे, पैंट पहनेंगे। मैं बोला बच्चा बड़ा हो गया ना, कब तक चड्डी पहनेंगे? बड़ा होना ना कभी, तो पैंट आप पहन रहे 1925 के बाद 2016 में ख्याल है, नहीं अब पैंट पहनना। क्या बात है। फिर हमारे प्रेस के बुलाइए, इसमें नहीं बोल रहे आप, उन्होंने ड्रेस तब्दील करे। याद रखो, ड्रेस की अहमियत नहीं है, सोच की अहमियत है। सोच को बदलो, ये सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। कोई शेरवानी पहन लिया तो कौम परस्त नहीं हो जाता, कोई शर्ट पैंट पहन लिया तो नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, कोई धोती पहन लिया तो उसमें कोई मायूब बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में जितने तहजीब तमद्दुन है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होगी। ये हमारे वतन अजीज की उसूल की अहमियत है। मगर आज आप जब अपना लिबास तब्दील कर रहे तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भगवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भगवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के फर्स्ट
अंबेडकर ने नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लिखा, इंडियन पीनल कोड ने नहीं लिखा, सीआरपी से नहीं लिखा, तो मैं कैसा बोला? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए, आपको बोलने की आदत है, हमको कम बोलने की आदत है, और जब हम बोलते तो सब कान लगा के सुनते, आप सुनो हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। मगर अजीब भरी बात क्या है कि बाबा जो वही कपड़े पहनते बाबा, जो जुर्माना नहीं देते बोले बाबा, प्राइम मिनिस्टर जहां पर गए, कल क्या हुआ, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब बैठे हुए हैं और बाबा खड़े खड़े होकर बोल दिए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि कोई भी पार्टी हो वो तो चाहती तो यही है कि इस देश का भला हो, और अगर हम जरा सा उठ जाए, मैं देखता हूं कि जहां ये समस्या है, बेरोजगारी की, हॉस्पिटल की, दवा की, स्कूल की, कॉलेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां हम अपनी एनर्जी किन चीजों में लगा रहे हैं, वो क्यों वेस्ट हो रही है। आए दिन कुछ ऐसी बात सुनने को आती है जो न सुनते तो अच्छा था। अभी दो तीन दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा के एक शहर हैदराबाद के एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर है। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता, संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि कौन लोग, मैं इस बात को और इनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता, और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडम करता हूं, मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, मैं उसे भी कंडम करता हूं। हम रुक नहीं सकते, वक्त रुकता नहीं, या तो हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, हमें फैसला करना है। हम इस दोराहे पे जिन मुल्कों में, जिन समाजों में, अकलमंद वो है जो तजुर्बे से सीखे, लेकिन उससे ज्यादा अकलमंद वो है जो दूसरे के तजुर्बे से सीखे। देख लीजिए जिन मुल्कों में धर्म का बड़ा बोला भाला है, जिन मुल्कों में ये यकीन है कि गुजरा हुआ जमाना बड़ा अच्छा था, जिन मुल्कों में ये ख्याल है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसे खप से मजहब क्या, जिन मुल्कों में ये खप वो कहां गए, जहां बात पर जबान कटती है, जहां पे एक लफ्ज बोल दे जो धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, तो फांसी दे दी जाती है, वो मुल्क हमारी मिसाल बनने चाहिए या वो कि जहां हर तरह की आजादी, जहां लास्ट टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट भी बन सकता है, कौन से मुल्क सही है, कहां इंसान आराम से है, कहां गंदगी देता है, ये दो रहा है आजकल। जिसे हम फ्रिंज कहते हैं वो फ्रिंज दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है, और उसकी जरूरत नहीं है। मैं शायद मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज भी हों इस बात, लेकिन ये मैं दिल से समझता हूं कि इस सरकार में बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं,
और जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सो कॉल्ड फ्रिंज, जो कि न सिर्फ मामूली लीडर्स हैं बल्कि एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं और कभी कभी मिनिस्टर भी हैं, वो इनको काबू में ले। इसलिए जावेद साहब जी, मजबूरन मेरी नज़र घड़ी पे है, मैं भी मानता हूँ सर वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अपोजिशन हो कि सरकार, अपोजिशन का भी रोल है, इसलिए कि ये जो नौजवान हैं ये हमेशा नौजवान नहीं रहेंगे। जापान ये एडवांटेज खो चुका है, चीन ये एडवांटेज खो रहा है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल हैं जब आपके पास ये एनर्जी है, आप एक प्लेटो पे पहुंच जाएंगे फिर वहाँ बहुत दोनों चलेंगे, 100-150 साल बाद फिर ये हालात आएंगे। तो अपोजिशन को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी कि यहाँ काम, ये एडजॉर्नमेंट जो है हमें आगे नहीं ले जाएंगे और ये पोलराइजेशन भी हमें आगे नहीं ले जाएंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान बने और बन सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कि जहाँ हर सर पे छत हो, जहाँ हर स्तंभ पे कपड़ा हो, जहाँ हर पेट में रोटी हो, जहाँ हर एक के पास दवा हो, इलाज हो, स्कूल, सड़कें हो, बिजली हो, पुल हो सकता है। जरा सा बस अगले इलेक्शन की परवाह बंद कर दे आदमी और सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छे दिन आगे बाबा, ये भी लंबे बालों वाला हीरो हेलमेट पहनता था, उन्हें पार्लियामेंट में देखता था तो मैं बोलता था ये कैसा जुबा है, यहाँ कैसा गिर गया आके। आज उन्हें 9,000 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो गया हमें। बताइए अजीज दोस्तों, आज हमारे मुल्क में गरीब की जान की अहमियत है या नहीं? छोड़िए मुसलमान दलित थोड़ी देर के लिए, मगर गरीब की अहमियत नहीं है आज। आज जिसके पास दौलत है उसकी अहमियत है, जिसके पास करोड़पति है उसकी अहमियत है। अरे गरीब, अरे हिंदुस्तान की जमहूरियत अगर कोई जिंदा रख रहा है तो गरीब जिंदा रख रहा। 45 डिग्री टेम्परेचर में जाकर अगर कोई वोट डालता